नाला सुपारा में बढ़ रहे हैं ठगी के मामले, एक के बाद एक लोग हो रहे हैं ठगी का शिकार। प्राप्त जानकारी अनुसार नाला सुपारा में बिल्डरों तथा एजेंटों द्वारा सस्ते में मिलने वाले फ्लैट का लालच दे लोगों के साथ ठगी के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले नाला सुपारा पश्चिम में प्रॉपर्टी बाजार द्वारा भी लोगों के साथ ठगी की गई थी, जिसके बाद अभी सभी आरोपियों पर पुलिस द्वारा नकेल भी नहीं कसी गई थी कि अब एक बार फिर नाला सुपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन में एक और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, जहां नामी समाज सेवक और बिल्डर सचिन गाला द्वारा कुछ लोगों के साथ सस्ते फ्लैट दिलाने के नाम पर 22,75,000 रुपए की ठगी की गई है। बताया जा रहा है कि सचिन गाला ने लाखों की रकम ले आशापुरा रियल्टी नामक एक पावती भी पीड़ित को दी, लेकिन ना ही उसे फ्लैट मुहैया कराया और ना ही उसके पैसे वापस दिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये वही सचिन गाला हैं जिन्होंने लॉकडाउन में लोगों की मदद कर समाज सेवक के नाम पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिलहाल इन पर 22,75,000 रुपए की ठगी का मामला नाला सुपारा पश्चिम पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस सभी तथ्यों पर बारीकी से जांच कर रही है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसे बिल्डरों से सावधान रहें और कहीं भी फ्लैट खरीदने से पहले एक बार जांच परख जरूर करें। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।